हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एवी मैथ क्लासेस के अंदर। तो आज हम जो परसेंटेज का टॉपिक पढ़ा था उसको ही आगे बढ़ाएंगे। आइए एक क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक संख्या का 37 से 1/2 प्रतिशत इसी संख्या में जोड़ने पर प्राप्त परिणाम 1320 प्राप्त होता है, तब मूल संख्या ज्ञात करो। यानी कोई संख्या का जो वो तो संख्या है ही है, और उसके साथ में उस संख्या का 37 से 1/2 प्रतिशत और उस संख्या के अंदर जोड़ा है, उसके बाद में प्राप्त परिणाम क्या है 1320। तो हमें जो वो संख्या है, ओरिजिनल संख्या है जिसमें ये जो इसका इतना परसेंट जोड़ा है, तो वो संख्या ज्ञात करनी है। तो इसको क्या करेंगे, इसके लिए देखो एक मेथड इसको सॉल्व करने का है, ट्रेडिशनल मेथड। उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे जो 37 से 1/2 प्रतिशत यानी वो जो संख्या थी उसका 100% तो है ही है, ठीक है, और प्लस के अंदर उस संख्या का 37 से 1/2 प्रतिशत और है, 37 से 1/2 प्रतिशत, और बराबर में वो संख्या 1320 है, 1320 है। यानी इस जो ये जो 100% है इसको अपने क्या ले लेते हैं, यानी वो कोई संख्या क्या है x हो गई, और उसके बाद में ये जो संख्या है उसका 37% यानी इस संख्या का ही 37%, यानी x इंटू 37 से 1/2 क्या लिख सकते हैं, 37 × 2 = 74, और 74 + 1 और 75, 75/2, 75/2, और ये परसेंटेज तो इसका बट्टे में 100 आ जाता है, ठीक है, तो और बराबर में 1320। तो x प्लस यहाँ पे ये 75 को सोल्व करेंगे तो देखो ये 25 से कैंसिल हो रहा है, तो 25 × 75 और 25 × 8 = 200, तो 3x अपॉन कितना आ गया, 8 आ गया, बराबर 1320 आ गया। अब ये जो x है तो यहाँ पे बट्टे में क्या है, इसका 1 है, बट्टे में 1 है, तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 8x प्लस इसके बट्टे में क्या है, 8 है, तो 8 × 8 और 3 से मल्टीप्लाई, तो 3x अपॉन 8 बराबर 1320। तो 8 × 3 = 11, 11x/8 बराबर 1320। अब x की वैल्यू चाहिए, तो x बराबर क्या जाएगा, ये जो 11/8 है तो 8 क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और ये जो 11 है वो यहाँ पे इसको बट्टे में 1 लिख लेते हैं, तो 11 इसकी 1 किस गां जाएगा, तो 1320 इंटू 8/11, ठीक है। अब ये इससे कटेगा तो 11 × 11 और ये 132 कितने पे आता है, 12 पे, देखो 11 × 11 बचा कितना, 2 बचा, और 11 × 11 और 2 बचा, 22 हो गया, 11 × 2 = 22 और 120 और 12 × 8 कितना होता है, 96, तो 960 अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी जो संख्या थी जिसके अंदर ये 37 से 1/2 प्रतिशत जोड़ा था वो संख्या कितनी थी, 960। तो इसको टेस्ट भी कर सकते हैं कि 960 ही थी क्या वो, तो 960 लिया, और इसका 37 से ही 1/2 प्रतिशत कितना होता है, 3/8 होता है, 3/8, इसको 3/8 से गुणा करो कितना होता है, 960 इंटू 3/8, तो 8 × 8 और 2 बचा, 1 बचा, और 8 × 2 = 16 और 120, 12 × 3 = 36, 360। तो 960 + 360 + 360, तो ये कितना हो गया, देखो ये जो 960 है और यहाँ पे क्या 360, अब इसका जो 40 है वो इसको दे देंगे, पहले इसका जो 40 है वो इसको दे दिया, तो वो कितना हो गया 1000, और यहाँ पे कितना बचा 320, तो आंसर कितना हो गया 1320। यही अपना क्या था क्वेश्चन के अंदर, यानी अपना ये सही है। और इसको करने का सेकंड मेथड देखते हैं, अब सेकंड मेथड के अंदर देखते हैं अपने, ये तो कोई भी कर सकता है, तो सेकंड मेथड क्या है इसका, मेथड सेकंड देखो, इसके अंदर देखो 37 से 1/2 प्रतिशत बड़ा है, 37 से 1/2 प्रतिशत बड़ा है, तो अपनों ने क्लास ली थी कल वाली, तो इसके अंदर क्या देखा था अपनों ने, कि जो 3/8 होता है, 3/8 यानी
ये जो एक यानी 100/8 क्या होता है, 100/8 होता है 12.5% होता है, 100/8 क्या होता है 12.5%। इसी का ही जब यानी किसी भी संख्या का आठवां भाग क्या होता है 12.5%, और 3/8 क्या होता है 3/8 यही होता है 37.2%, 37.2 यानी किसी भी संख्या का 3/8 भाग क्या होता है इतना होता है। अब इसने क्या बोला है कि 37.2% बढ़ गया है, यानी वो जो संख्या थी वो तो ही थी 8, यानी जो इनिशियल संख्या थी, जो प्रारंभिक संख्या थी, यानी जो प्रारंभिक संख्या थी वो कितनी थी अपने पास 8, और उसके अंदर वृद्धि कितनी की हुई है 3 की वृद्धि हुई है, यानी ये जो 3 की वृद्धि है, यानी 8 तो थी स्टार्टिंग के अंदर, ठीक है, और उसके अंदर 3 की वृद्धि हुई है, 3 की वृद्धि यानी 8 के अंदर जब आप 3 की वृद्धि करोगे, जब केवल आपके पास 8 होता है उसके अंदर आप सीधे 3 की वृद्धि कर दोगे ना, तो वो 37.2% की वृद्धि होगी, ठीक है। तो 37.2% की वृद्धि है, यानी 8 से अभी ये कितनी होगी ये संख्या, पहले तो 8 थी, अब 8 में 3 जोड़ते हैं तो कितना होता है 11 होता है, 8 और 3 क्या होता है 11। तो अपने को क्या दे रखी थी, 11 की वैल्यू दे रखी थी 1320, तो 1320 अपने पास थी 11 की वैल्यू, और अपने को कौन सी वैल्यू पूछी थी 8 की, तो ये मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है 120 आता है। इसी तरीके से इसको मल्टीप्लाई करो 120 से, तो 12 8 96, तो 960 आप ऐसे भी निकाल सकते थे, लेकिन इसके लिए आपको जरूरी क्या था, जरूरी ये था कि आपको ये वाला सिस्टम पता होता, यानी 100/8 यानी किसी भी संख्या का मैं आपको करवाऊंगा आगे, जैसे 1 से लेके 50 तक जो संख्याएं होती है तो उनका जो यानी 100/1 क्या होता है, 100/2 क्या होता है, 100/3 यानी किसी भी संख्या का चौथा भाग पांचवा भाग, इसी तरीके से अपने 50 तक भाग जान जाएंगे, तो आगे जो संख्याएं जब कटती है तो उनका जो प्रतिशत फाइंड करते हैं तो बहुत आसानी रहती है, वो अपने 1 से लेके 50 तक करेंगे आगे। अब देखिए जो फ्रैक्शन वैल्यू है उनको किस टाइप से यूज़ करते हैं, जैसे ये 100/1 को 100%, ये तो सभी को पता है 100/13 कितना होता है 7.70, यानी किसी भी संख्या का जब 13वां भाग करते हैं तो वो कितना होता है 7.70, ये प्रतिशत है 7.7%, और किसी भी संख्या 100/7% 100/7वां भाग कितना होता है 14.28%। अब कोई संख्या लेते हैं, जैसे कोई संख्या ली अपनों ने 85, उसका अपने को कितना भाग याद करना है 7वां भाग याद करना है, कितना 7वां भाग का मतलब क्या होता है, यानी अपने को 14.28 चाहिए, 14.28 सातवां भाग याद करते हैं तो कितना आता है, देखो 7 × 7 = 15, 7 × 2 = 14 और 1/7 ये कितना प्रतिशत है इसका 14.28%, यानी ये जो संख्या है 12 × 1/7 वो क्या दर्शाती है कि जो संख्या 85 है उसका जो कितना प्रतिशत 14.28% कितना है 12 × 1/7। अब अपने नॉर्मली जो टेबल्स पढ़ते हैं, पहाड़े पढ़ते हैं, उसके अंदर भी एक इनका ही लॉजिक छुपा हुआ है कि जो जैसे कोई संख्या है, मैंने ली संख्या 1, अब 1 है, 1 को मैंने 1 बढ़ा दिया और कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है। अब 1 कोई संख्या है 5, ठीक है, इसको इधर लेते हैं, 1 कोई संख्या है 5, उसको मैंने बढ़ा दिया 1, कितना हो गया 6। अब बताओ किसके अंदर वृद्धि ज़्यादा है, वृद्धि किसके अंदर ज़्यादा है, इसके अंदर भी मैंने 1 बढ़ाया और इसके अंदर भी मैंने 1 बढ़ाया, आप बोलोगे तो इसमें 1 बढ़ाई इसके अंदर, यानी ये तो समान हो गए, यानी ये इसके बराबर ही तो वृद्धि है, बराबर वृद्धि नहीं है। कैसे नहीं है कि इसको तो अपनों ने कितना बढ़ा दिया, यानी इसका ये जो 1 है कितना है पूरा 100% है, यहाँ पे 1 कितना है पूरा 100% है, इसको आपने पूरा 100% बढ़ा दिया और कितना हो गया ये 2, यानी इसकी आपने पूरे की पूरी 100% वृद्धि की है। अब ये जो संख्या है 5, उसको आपने बनाया कितना 6 बनाया, तो यहाँ पे जो संख्या 5 है वो कितना है अपना 100% है,
तो 100% में से आपने कितने की वृद्धि की, यानी कितने की वृद्धि करो कि ये 6 हो जाए, यानी 1/5 की वृद्धि की। 1/5 का मतलब क्या होता है, 20%। यानी किसी भी संख्या का ये जो पांचवा भाग होता है वो कितना होता है, 20%। ये जो 100/5 कितना होता है, 20%। यानी यहां पे अपनों ने कितनी वृद्धि कर दी है, इसके अंदर 20% की वृद्धि की है, और यहां पे कितनी की वृद्धि की है, केवल 100% की। यानी वृद्धि किसमें ज्यादा है, वृद्धि इसमें ज्यादा है, यहां पे 100% की वृद्धि हुई है। अब कोई टेबल देखते हैं, जैसे 3 × 3 × 9 कितना होता है, 81। अब अपनों ने इसके अंदर इसको 3 को ले लिया, एक बार इसको 3 को पकड़ लिया और 3 को बार कर लिया, यानी 3 × क्या कर दिया, 27। 3 × 27। अब ये जो संख्या 81 है, अब ये जो संख्या 81 है, इसका जो 3 × 27 किया, यानी जो संख्या 3 है उसका अपनों ने जो 33% है वो निकाल लिया। यानी जब इसको 3 से डिवाइड करते हैं तो ये तो कैंसिल हो जाता है, 3 से 3 कैंसिल हो गया और अपने पास क्या बचा, 27। यानी जब संख्या इसको अलग कर लेते हैं, यानी जो जब 33% ज्ञात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, यानी इसके जो फैक्टर के अंदर, 81 के जो फैक्टर के अंदर जो 3 मौजूद होता है, सिंगल 3 जो गुणा के अंदर होता है, उसको अपने बाहर निकाल लेते हैं, बाकी जो एज इट इज बच जाता है, तो वो क्या होता है अपना 33%। जैसे जो 81 था इसमें अपनों ने देखा कि 3 × 3 × 9 होता है, ठीक है, तो इसके अंदर जो एक इसका जो सिंगल 3 था इसको निकाल लिया, इसको निकालने के बाद क्या हुआ, ये कितना बच गया, 27 बच गया, वो ही अपना क्या था, 33.33%। अब इसी तरीके से देखते हैं अपने क्वेश्चन, देखते हैं अपने अभी किस संख्या का 25% 36 के बराबर होगा, किस संख्या का 25% 36 के बराबर होगा। यानी अपने को क्या दे रखा है, 25% दे रखा है, किस संख्या का 25% 36, यानी ये जो 25% ही दे रखा है अपने को, यानी 25% क्या दे रखा है, 36, और अपने को क्या पूछा है, पूरा 100% पूछा है, तो 100% पूछा है, तो इसको 4 से गुणा कर दो, 2500 के 100, इसको भी 4 से गुणा कर दो। 4 से गुणा करने के लिए दो तरीके हैं, ये तो या तो आप सीधे कर दो कि 6 × 24 का 4 हंसिलपाई 2 और 4 × 3 = 12, 12 × 2 = 14, या एक सेकंड मेथड क्या कर सकते हैं, इसको इसको आप लिख सकते हो 40 − 4। क्या फ़ायदा हो इससे कि आप मन में कैलकुलेट कर सकते हो कि 40 यहाँ पे 40 − 4 है, यानी पहले 40 को 4 से गुणा करो, 160 हो गया, 160 होने के बाद में उसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, ये जो माइनस वाला है ना इसको 4 से गुणा करेंगे तो 4 × 16, तो 160 में से 16 के कितना रहता है, 144, तो ये इसका आंसर हो गया। यानी जो किस संख्या का 25% 36 के बराबर होगा वो कितनी है अपनी, 144। सेकंड है ये वाला, 300 × 20% का 25% क्या होगा। अब 300 × 20% यहाँ पे देख सकते हैं इसको, 300 × 20% क्या होता है, 300 × 20% ये होता है 10%, और 20% यानी 60, 60 × 25% क्या होता है, 60 × 25% होता है 15, 25% हो गया 15। अब देखो किया कैसे मैंने इसको, 300 × 20% निकालते हैं, 20% के लिए क्या करते हैं, 20/100 करते हैं, 20/100 गुणा 25% के लिए 25/100 कर दो। अब 20 × 20 और 20 × 5 = 100, 25 × 25, 2500 × 100, ये जो फ्रैक्शन वैल्यू ही आ गई, यानी जब भी आप यूज़ करोगे तो वापस फ्रैक्शन वैल्यू ही बननी है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका टाइम खर्च होता, आप इसको बचा सकते हो अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद होती। अब 300 × 1/5, यानी किसी भी संख्या का 1/5 क्या होता है, 20% होता है, तो 20% कैसे ज्ञात करते हैं अपने, 20% के लिए अपने ये जो संख्या है वो लेंगे, वो कितना हो गया, 10%, और 10 का डबल करेंगे तो कितना होता है, 20%, यानी 30 का डबल 60, और 60 के अंदर जब 4 का भाग देते हैं तो कितना आता है, 15। अब डिवाइड कर दो इसको, वैसे भी 5 × 5 = 30, 60/4 क्या होता है, 15।
60 बटे 4 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 का 20 प्रतिशत का 50 परसेंट का 75 प्रतिशत क्या है। अब आप इसको और इसको फटाफट कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे? देखो 70 का 20 प्रतिशत कितना होता है 14, यानी एक जीरो उठाई और 7 को 2 से गुणा कर दिया, 7 दुए 14। अब 14 का 50 प्रतिशत क्या होता है? 14 का 50 प्रतिशत होता है 7। अब 7 का केवल आपको यानी 75 प्रतिशत का अर्थ क्या होता है? 3/4, यानी केवल आपको 7 × 3/4 करना है। तो कितना होता है? 7 × 21, 21/4। 21/4 को कैसे देखना है? 20+1/4, 20+1/4। अब 20/4 क्या होता है? 5 होता है। और 5 × 1/4, 5 × 1/4 का मतलब क्या होता है? 0.25, यानी 5.25 अपना क्या आ गया आंसर। या आप ऐसे कर सकते थे 70 × 20 प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 1/5 होता है, इंटू उसके बाद में 50 प्रतिशत का अर्थ क्या होता है? 1/2 होता है, इंटू उसके बाद में 75 प्रतिशत यानी 3/4। अब कर दो इसको, 5 × 2 = 10 हो गया, 10 से ये वाली जीरो कैंसिल हो गई। उसके बाद में क्या बचा? 7 × 21/4, वो का वही आ गया, ये जो आंसर है अपना। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। यदि एक संख्या का 6 से ही 2/3 प्रतिशत इसी संख्या से घटाने पर परिणाम 5670 प्राप्त होता है, तब मूल संख्या ज्ञात कीजिए। यानी जो अपने पास जो पूरी संख्या थी उसमें से अपनों ने कितना घटा दिया है? 6 से ही 2/3 प्रतिशत। अब आप याद करो कि ये जो 6 से ही 2/3 प्रतिशत है, इसका मतलब क्या होता है? 6 से ही 2/3 प्रतिशत, इसका मतलब क्या होता है? यानी 6 × 3 = 18, 18 + 2 = 20, 20/3, 20/3 का मतलब क्या होता है? 6.666 प्रतिशत। अब ये क्या चीज़ होती है? ये होता है किसी भी संख्या का कितवां भाग? 15वां भाग। यानी किसी भी संख्या का 15वां भाग क्या होता है? 6.66 प्रतिशत। यानी अपनी जो संख्या थी ना, उसका इसने 15वें भाग से एक कम कर दिया, तो कितना है उसके पास? 5670 परिणाम प्राप्त होता है। तब मूल संख्या बतानी है, यानी अपने पास जो ओरिजिनल संख्या थी, यानी जो 15 थी, ओरिजिनल संख्या थी 15 थी, तो उसका उसने कितना कम कर दिया है? इतना। यानी जब 15 से अपने कोई भी संख्या जब 15 होती है, जैसे अपने पास जो मूल संख्या है वो कितनी है? 15 है। तो 15 में से हम जब एक कम करते हैं तो इसका अर्थ क्या होता है? हमने 6.666 प्रतिशत कम कर दिया है। जैसे आप देख भी सकते हो, जैसे 15 है तो 15 का अपने पता करना है कि इतना कम करके देखते हैं। जैसे 15 से 1 घटाया कितना बचा? 14 बचा। 15 से 1 घटाया कितना बचा? 14। तो अपने वो चेक करना है कि इतना ही बच रह गया, तो 14/15 × 100 किया, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आया? 1400/15 आया। अब इसको जब डिवाइड करते हैं तो कितना आता है? 15 × 9 = 135। 135 के बाद में कितना बचा? 50 बचा। 15 × 3 = 45, और कितना बचा लास्ट में? 5 बचा। 50/15 यानी 15 अब वापस 3 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड हो यानी 0.33 चलता जाएगा। यानी 14/15 प्रतिशत अपने पास कितना आया? 993.33। अब इसके अंदर जब 6.66 ऐड करते हैं तो कितना आता है? पूरा 100 प्रतिशत। यानी जो संख्या थी अपने पास, ये जो कम किया है, उसका मतलब क्या हो गया? यानी यहाँ पे ये जो 14 है उसकी वैल्यू कितनी देर की है अपने को? 5670, और पूछी कितने की है? 15 की वैल्यू, 15 की वैल्यू पूछी है। तो इसको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे? तो इसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करते हैं। देखो 14 का पाढ़ा सभी को आता है, लेकिन देखना क्या है इसके अंदर, 14 चौके कितने होते हैं? 56 होते हैं। यानी इसको 5670 देखना है आपको, ठीक है। 14 चौके 56, यानी कितने से गुणा करेंगे कि 5670 आ जाए? 400 से, ठीक है।
कितने से गुणा करेंगे 14 को, जब 5600 आएगा 400 से, और कितने से गुणा करो कि 17 आ जाए, 14 पाँच 70, यानी आपको 405 से यहाँ से गुणा करेंगे तो कितना आएगा अपने पास 5670। तो यहाँ पे भी आपको 405 से गुणा करना है, 405 से, 405 से गुणा कैसे करेंगे, 15 चौके कितना होता है, 15 चौके 60 हो गया। अब 400 है, यहाँ पे 400 है तो 00 लगा दिया, उसके बाद में यहाँ पे 15 पाँचे कितना होता है 75 होता है, 15 पाँचे 75। तो अपनी जो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6075। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का जो टॉपिक है वो हम देखेंगे कल।